गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने कलरव कक्षा 3 की बंदरबांट कहानी जो पाठ संख्या 10 पर है वह पढ़ी थी और वह कहानी अभी अधूरी पढ़ी थी। उस कहानी का आगे का भाग आज पढ़ेंगे। आइए पहले उस कहानी को हमने कितना पढ़ा वो दोहरा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि दो बिल्लियाँ थीं, एक काली और एक सफ़ेद। सफ़ेद बिल्ली ने मेज पर रखी हुई रोटी देखी और वह उसको लेना चाहती थी पर डर रही थी। काली बिल्ली जो साहसी थी उसने कहा कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी डरो, मैं तो चली, और उसने लपक कर वह रोटी उठा ली और भागने लगी। सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि यह रोटी मैंने तुम्हें दिखाई थी, इसलिए यह रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली कि यह रोटी मैंने लपकी है, मैंने साहस दिखाया, इसलिए यह रोटी मेरी है। इसी बीच उन दोनों की जब लड़ाई हो रही थी तो बंदर का प्रवेश होता है। कल बंदर का प्रवेश तो हुआ था पर बंदर ने कुछ किया नहीं था। आइए देखते हैं बंदर ने आगे क्या किया। तो पढ़ते हैं कहानी बंदर बांट। बंदर, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। इस प्रकार बंदर रोटी हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है, बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। बंदर रोटी लेकर हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है, बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। फिर से देखते हैं। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर, क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियाँ, जी नहीं, कोई नहीं। बंदर, जब कोई गवाह ही नहीं है तो किसकी बात सच मानूं? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इस प्रकार यह थी कहानी जो आज हमने पढ़ी और इसका पूरा भाग कल पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ सोचना है, कुछ विचार करना है कि अगर आप दोनों बिल्ली की जगह होते तो क्या होता, आप दोनों बंदर होते तो क्या होता, है ना? आप में से कोई बंदर बनकर और कोई बिल्ली बनकर इस कहानी को रोल प्ले
अभिनय करके अपनी मैडम को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मैम इसके बाद क्या होता है। मैं इसके आगे की कहानी कल आपके साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए बाय।